they have tried to convert these challenges into opportunities. तो ये जो challenges को opportunities में convert करने की कोशिश है उसका स्वागत है और बहुत ही समय contemporary topic पे इन्होंने आज ये discussion रखा है. तो आज we'll make use of this opportunity. हम लोग आज जो हम लोगों को टॉपिक असाइन किया गया है रिसर्च डिजाइन फॉर सोशल साइंसेज उस पर तकरीबन एक घंटे की बात होगी और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशंस लेंगे. एक चीज यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है कि जो रिसर्च डिजाइन की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रिसर्च डिजाइन एंड वेयर डू वी मेक यूज ऑफ द टर्म रिसर्च डिजाइन. And then second important thing is this, that which disciplines are making use of the term research design. क्योंकि हम लोगों ने यहाँ लिखा है social sciences और social sciences में बहुत सारे disciplines शामिल होते हैं. जैसे मेरा basic discipline sociology है तो मुझे लगता है कि हाँ sociology है, but along with that economics is a very important social science, political science is an important social science, education, psychology, ये सब के सब सोशल साइंसेस हैं, एस्टैब्लिश्ड डिसिप्लिन्स हैं. तो हम लोग जब ये कहते हैं कि रिसर्च डिजाइन इन सोशल साइंसेस तो हम सिर्फ ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन इन सोशियोलॉजी, बल्कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि रिसर्च डिजाइन इन सोशल साइंसेस. हम उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं. और यहीं पे मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस में काफी सारे लोगों में से लोग होंगे जो अलग अलग डिसिप्लिन से होंगे. तो हम इस बात को आगे भी बार बार लेके आएंगे सोशल साइंस के कॉन्सेप्ट्स को. और ह्यूमैनिटीज के भी बहुत सारे लोग होंगे. वी ऑल्सो नो कि जो ह्यूमैनिटीज हैं वो सोशल साइंसेस से कई बार इंटरवोवन होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, लिंक्स होते हैं. लेकिन एक एलिमेंट्री डिफरेंस हो जाता है ह्यूमैनिटीज में और सोशल साइंसेज में, जिसको हम लोग समझते हैं. हम इस पर फर्दर यहाँ पे फोकस भी करेंगे. सोशल साइंसेज में primarily we are focusing on some kind of specific data, और उसमें भी जो data को हम लोग अगर बात करते हैं तो primary data और secondary data दो तरह के data की बात करते हैं जो हम सभी लोग जानते हैं. तो हम लोग यहाँ पे focus करते हैं primary data पे, right? ये चीज को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. science में और humanities की जो basic differences हैं उन्हें हम जानते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे. तो keeping in mind the kind of understanding that we have about sciences, साइंस में नेचुरल साइंसेज हैं, सोशल साइंसेज हैं, बट दिस सोशल द मेथोडोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन सोशल साइंसेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मेथड्स एंड द मेथोडोलॉजी व्हिच इज यूज्ड इन ह्यूमैनिटीज. तो उस मेथोडोलॉजी के बिना पे हम सोशल साइंसेज को डिफ्रेंशिएट करते हैं. मैं यहाँ पे फिर से आपको एश्योर कर रहा हूँ कि हम सोशल साइंसेज के पर्सपेक्टिव को रखने की कोशिश करेंगे, सिर्फ सोशियोलॉजी पे अपने आप को कन्फाइंड नहीं रखेंगे, क्योंकि वही नीड ऑफ द आवर है. अब देखिए रिसर्च स्कॉलर्स होंगे हम में से ज्यादा लोग, या फिर ये के जो रिसर्चर्स हैं जो एकेडमिक जॉब में हैं, या हमारा कहीं ना कहीं रिसर्च में इंटरेस्ट है. तो रिसर्च का पर्पस को हम समझते हैं. रिसर्च का एक बेसिक पर्पस होता है चीजों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, जिसको हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं आमतौर पर. या तो वी ट्राई टू फाइंड आउट न्यू फैक्ट्स, या नहीं तो वी गो फॉर अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट्स, राइट? तो हम चीजों को बेहतर तरीके से या तो इंटरप्रेट करते हैं, री इंटरप्रेट करते हैं, और या नहीं तो फिर हम नए फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं. अमिडस्ट ऑल दीज थिंग्स कई टर्म्स हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं. एक वर्ड है रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं हम सभी लोग. रिसर्च मेथड्स इज अनदर सेट ऑफ terms that we are making use of. तो जब हम research methodology कहते हैं, research methods कहते हैं, research design कहते हैं, और फिर दो और term हैं, एक है research strategy, हम उसको use करते हैं, और फिर research perspectives की use करते हैं, theoretical perspectives और methodological perspectives. तो ये सब चीजें हमें लगता है कि अलग अलग चीजें हैं, और एज ए स्टूडेंट और एज ए रिसर्चर जब हम जब चीजों को अपनी तरह से डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे सामने ये हैंडीकैप्स आ जाते हैं कि ये सब अलग अलग चीजें हैं, इन्हें लेके कैसे आगे बढ़े. ये जो हमारा आज का लेक्चर है इन्हीं इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश करता है.
यानी हम वी नीड टू डेवलप सम काइंड ऑफ कनेक्ट बिटवीन रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च स्ट्रेटजी, देन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स एंड देन ओवरऑल रिसर्च डिजाइन। अब रिसर्च डिजाइन को लेकर अगर आपने कुछ बेसिक टेक्स्ट बुक्स पढ़े होंगे तो कई बार रिसर्च डिजाइन को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक में। मतलब ड्यूरिंग माय मास्टर्स जो हमने रिसर्च डिजाइन को पढ़ा तो कहा कि भाई रिसर्च डिजाइन रिसर्च मेथड्स का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और आमतौर पर चार पांच तरह के रिसर्च डिजाइन होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था इसको कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज डेज में, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, डायग्नोस्टिक, एक्सपेरिमेंटल, ये सब रिसर्च डिजाइन होते हैं। और पूरा एक जनरेशन गुजरा, मतलब मुझे लगता है 10-15-20 ईयर्स गुजरे जो हम इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप को कंटिन्यू करते रहे कि रिसर्च डिजाइन का मतलब यही होता है। लेकिन आज के डेट में जब हम रिसर्च डिजाइन की बात कर रहे हैं, इट इज मच मोर देन दैट। आप लोगों ने नॉर्मन ब्लैकी की बुक पढ़ी होगी, डिजाइनिंग सोशल रिसर्च, द लॉजिक ऑफ एंटिसिपेशन, 2000 में आया था इसका एडिशन। जब आप नॉर्मन ब्लैकी को पढ़ते हैं, डिजाइनिंग सोशल रिसर्च द लॉजिक ऑफ एंटिसिपेशन, तो आपको बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है, बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव मिलता है। हम लोग आज उसी पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि कई स्टेज ऐसे आएंगे जहां पे आपको लगेगा कि चीजें थोड़ी सी जटिल हो रही है, मगर मैं कोशिश करूंगा कि उन जटिलताओं पे ना जाऊं, चीजों को बहुत सिंपल रखूं, जो माइलस्टोन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लेकर के हम आगे बढ़ें ताकि एक एक पूरी तस्वीर हमारे सामने बने, पूरा का पूरा एक कनेक्टिंग द डॉट्स के पर्सपेक्टिव में हम चलेंगे। आज के जो युवा हैं वो उन्होंने पढ़ा होगा, स्टीव जॉब ने कनेक्टिंग द डॉट्स की बात की थी और रश्मि बंसल ने तो उस पर एक बुक भी लिखा था कनेक्टिंग द डॉट्स। तो हम लोग उसी तरह से करेंगे, यानी जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स हैं उनको लेंगे और उनको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि एक पर्सपेक्टिव हमारे दिमाग में बने। तो सबसे पहले आइए हम लोग शुरू करते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्ड से। देखिए हर रिसर्चर अपने लाइफ में इस वर्ड को जानता है, जब से कोर्स वर्क की बात हो गई है तब से और भी ज्यादा जानता है, नहीं तो जब आप रिसर्च पब्लिकेशन में जाते हैं, कोई पेपर कहीं इंटरनेशनल जर्नल में या किसी भी अच्छे जर्नल में देते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेथोडोलॉजी क्या है। तो डू वी अंडरस्टैंड रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रॉपरली? मुझे लगता है कि कई बार जो कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक है उसमें हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी को ठीक से पढ़ा नहीं होता है या समझा नहीं होता है। पार्थनाथ मुखर्जी की एक बुक है, उसमें उन्होंने तीन कंपोनेंट्स को ऐड किया है जब वो रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करते हैं। कहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी का मतलब होता है तीन कंपोनेंट्स, एक जहां पे वो रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं, दूसरी जहां पे वो टूल्स और टेक्निक्स की बात करते हैं, और तीसरी जहां पे वो फिलॉसफी की बात करते हैं, यानी वो रिसर्च किसी न किसी रिसर्च फिलॉसफी पे बेस्ड है, एक लॉजिक ऑफ इंक्वायरी पे बेस्ड है, राइट? तो वो जो फिलॉसफी है, जो लॉजिक ऑफ इंक्वायरी है, एक्चुअली वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पर नॉर्मल टेक्स्ट बुक में वी सेल्डम गेट एनी डिस्कशन और एनी इवन मेंशन ऑफ दैट फिलॉसफी ऑफ दैट रिसर्च। तो उसके बगैर हमारे रिसर्च कभी भी मुकम्मल नहीं हो पाता है और हम बहुत सारे प्रैक्टिकल लेवल के इश्यूज में उलझे हुए रहते हैं। यानी अगर मैं एक बात आपको बताऊं कि मैं जो एक अर्ली रिसर्चर होता है, पीएचडी में एडमिशन को लिया हुआ होता है या फिर मान लीजिए कि अर्ली करियर में होता है, उनसे अगर बात की जाती है तो वो कहते हैं कि सर रिसर्च में, सोशल साइंसेज में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी इस बात से आती है कि हमें किस स्टेप के बाद किस स्टेप को फॉलो करना है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें वैरी करती है। यानी एक अगर हम कहेंगे कि एक बहुत कोई फिक्स्ड रूल है, उस रूल को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वैसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है। आप एक चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, आप सुपरवाइजर के पास जाते हैं, सुपरवाइजर कहते हैं नहीं आपने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे क्यों नहीं किया। एग्जामिनर के पास जाते हैं, 5 साल आपने काम किया है, 6 साल काम किया, एग्जामिनर कहता है सब आपने ये किया, आपने ये क्यों नहीं किया। अभी ये सब एंडलेस चीजें हैं कि आपने ये किया और ये क्यों नहीं किया। तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम चीजों को एडवांस में जान सके कि साहब हमें क्या करना है और किसके बाद क्या करना है और किसके बाद क्या करना है, एंड दैट शुड बी अ फुल प्रूफ मैकेनिज्म। यानी कोई आपको क्वेश्चन नहीं करे कि ये आपने किया तो ये गलत किया या ये क्यों किया,
राइट right? यानी एक सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम को हम फॉलो करें, जैसे नेचुरल साइंसेस में होते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यस वी डू हैव दैट काइंड ऑफ सिस्टम आल्सो इन सोशियोलॉजी और इन सोशल साइंसेस, पर वो चीजें ज्यादा पॉपुलर नहीं है, हम जानते नहीं हैं उनके बारे में ज्यादा, इसीलिए हम उनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। वी आर गोइंग टू फॉलो दैट काइंड ऑफ थिंग। और जब हम यहाँ पे कर रहे हैं रिसर्च डिजाइन, तो एक्चुअली ये उसी तरह की चीज है। जैसे रिसर्च डिजाइन को जब सिंपल क्लास में कोई टीचर भी स्टूडेंट के पास जाता है तो वो पहले ये कहता है, जैसे किसी मकान को बनाने के लिए आर्किटेक्ट एक डिजाइन बनाता है, उसके बगैर वो बिल्डिंग नहीं बन सकती है, ठीक इसी तरह से रिसर्च के लिए एक डिजाइन बनता है जिसके बगैर रिसर्च मुकम्मल नहीं हो सकती है। लेकिन उस डिजाइन में होना क्या क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, उसको लेके कंफ्यूजन होता है। वी आर गोइंग टू बेसिकली अनफोल्ड दोज थिंग्स। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पे हम यहाँ बात करेंगे। रिसर्च मेथड्स को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है, कई बार तो स्टूडेंट को लगता है कि मेथोडोलॉजी और मेथड्स एक ही हैं। नहीं, मेथड्स और मेथोडोलॉजी अलग है। जब आप मेथोडोलॉजी की बात करते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी ऑफ द रिसर्च। और जब आप फिलोसफी की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे दो वर्ड यूज करता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा, ऑन्टोलॉजी एंड एपिस्टेमोलॉजी। तो रिसर्च जो डेराइव होती है, जो ओरिजिन करती है, वो कहीं ना कहीं इस क्वेस्ट के साथ होती है कि व्हाट इज नॉलेज एंड व्हाट आर द मींस एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग नॉलेज, राइट। तो वो हम उन इश्यूज पे आएंगे। तो जब आप उस फिलोसफी को लेके चलते हैं, ऑन्टोलॉजी को लेके चलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी को लेके चलते हैं, लॉजिक ऑफ इंक्वायरी को लेके चलते हैं, तो वहां से आपके पास एक्यूमुलेटेड नॉलेज आता है, एक एक्यूमुलेटेड पर्सपेक्टिव आता है जो आपको गाइड करता है, ठीक है। वही वो जो आपको गाइड करता है, वही चीजें आगे आपको दे शो यू द पाथ। और ब्लैकी के बुक का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्मन ब्लैकी ने जो बुक है डिजाइनिंग सोशल रिसर्च, उसमें उन्होंने लिखा है द लॉजिक ऑफ एंटिसिपेशन, एंटिसिपेट करना। यानी एज अ रिसर्चर जब आप चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट में क्या स्टेप आएगा, यू शुड बी इन ए पोजिशन टू एंटिसिपेट, राइट। बहुत ही लॉजिकल तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज, हम लोग आज इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज आती है, जब हम रिसर्च डिजाइन को वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो व्हाट डू वी मीन व्हेन आई एम सेइंग कि वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सप्लोरेटरी डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, बिकॉज एवरीबॉडी इज नोइंग अबाउट दैट। तो व्हाट एल्स इज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो यहां मैं कहूंगा, मैं दो एडिशनल कंपोनेंट की बात यहाँ पे करने चाह रहा हूँ, राइट। यानी आपको रिसर्च डिजाइन के बारे में जो भी जानकारी मालूम है, आपने किसी भी सब्जेक्ट में कुछ भी पढ़ा है, उन सारी चीजों को हम एक तरह से रीअरेंज करने जा रहे हैं। और वो रीअरेंजमेंट जो होगा, वो दो नए वेरिएबल्स हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ यू आर फैमिलियर विद देम, दैट इज वेरी गुड। इफ यू आर नॉट फैमिलियर, देन यू मस्ट फील हैप्पी कि यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थिंग्स। बहुत ही सिंपल चीज, सिंपल एक सिंपल सी चीज क्या है, रिसर्च क्वेश्चन, और दूसरी सिंपल सी चीज क्या है, रिसर्च स्ट्रैटेजी, राइट। हम रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च स्ट्रैटेजी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, और इसी के बेसिस पे पूरा रिसर्च डिजाइन को समझने की कोशिश करेंगे। अब एक तीसरी चीज आते हैं हम। अब आप देखिए, जो एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन ये है कि हम रिसर्च की जब बात करते हैं, तो हम रिसर्च मेथड्स की बात करते हैं। देखिए, आप क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड आपने सुना है, आप जानते हैं। सर्वे मेथड्स, केस स्टडी मेथड आपने सुना है, आप जानते हैं। सवाल ये नहीं है कि ये क्या है, इन सबको हम जानते हैं। सवाल ये है कि कब, किन परिस्थितियों में हमें इसमें से किसको अपनाना है। व्हेन डू वी नीड टू अप्लाई क्वांटिटेटिव मेथड एंड व्हेन डू वी कैन अप्लाई क्वालिटेटिव, या हमें कब सर्वे मेथड यूज करना है, कहाँ केस स्टडी करना है। और फिर एक सवाल ये आता है कि क्या केस स्टडी अपने आप में मेथड है, या ये एक डिजाइन है, या ये एक टूल है, या ये एक टेक्निक है। कहाँ हमें क्वेश्चनर यूज करना है, कहाँ हमें इंटरव्यू यूज करना है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो अपने आप में बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। कहाँ ऑब्जर्वेशन यूज होगा, कहाँ कोई और दूसरी टेक्निक यूज होगी, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड है। तो इनके लिए एक स्ट्रक्चर को बिल्डअप करना बहुत ही जरूरी है, आज हम उसकी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक तीसरा पैरामीटर है, देखिए, जब हम लोग अच्छे लेवल के रिसर्च पब्लिकेशन की बात करते हैं, यानी स्कोपस, आज के डेट में यूजीसी देखिए वेब ऑफ साइंस के जर्नल्स की बात करता है, स्कोपस की बात करता है। स्कोपस लिस्टेड अगर आप जर्नल्स देखेंगे, तो आप देखिएगा कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जर्नल्स नहीं है। स्कोपस में जो जर्नल्स हैं, वो थीम स्पेसिफिक है, और उसी जर्नल में सभी सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन की पेपर पब्लिश होते हैं। तो उसमें सोशियोलॉजी के
पेपर भी पब्लिश हो रहा है, इकोनॉमिक्स का भी हो रहा है, और मान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस का भी हो रहा है, एजुकेशन की भी हो रहा है, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई कंटिन्यूटी है उसमें, कोई ना कोई थीमेटिक और मेथोडोलॉजिकल कंटिन्यूटी है। तो वो मेथोडोलॉजिकल कंटिन्यूटी क्या है जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे जाके जुड़ पाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि हम इंडिया में जनरली, इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स हैं उनके साथ एक जनरल प्रॉब्लम ये है सोशल साइंस के, कि वो उस ग्लोबल लेवल के रिसर्च में जुड़ नहीं पाते। मैं अपने डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की बात करूं, या फिर जहां मैंने पढ़ाई की है वहां की बात करूं, या फिर हम लोग ISS के थ्रू, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के जरिए पूरे इंडिया के लेवल की चीजों को समझते हैं, देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज सोशल साइंस के स्टूडेंट्स ग्लोबल लेवल में जो रिसर्च है उससे कहीं हो पाते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ होती है, वो जो डिस्कनेक्ट है वो यहीं आती है, वो मेथोडोलॉजिकल कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है। वो क्यों नहीं हो पाती है, हम उसको भी एड्रेस करने जा रहे हैं। और सबसे लास्ट में कि व्हाई डू वी नीड टू गो फॉर रिसर्च, व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ नॉलेज, ये जो एक बड़ा सवाल है, टू मेक लाइफ बेटर, ये इस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोगों का पूरा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जहां पे हम चीजों को लेकर के डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर कमिंग क्विकली टू दोस थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। देखिए, जैसे मैंने कहा कि रिसर्च डिजाइन की अगर हम बात करेंगे, तो आप वट एवर यू नो अबाउट रिसर्च डिजाइन, यानी आप जानते हैं कि हम कोई एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, उस प्रॉब्लम को हम अगर फर्दर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, या ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, या ये एक एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है। ये क्वेश्चन अपने आप आ जाता है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक्सप्लोरेटरी है या ये एक्सप्लेनेटरी है, क्या इसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है? तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नॉर्मली हमें समझ में नहीं आता है, इसीलिए आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए वो सारे क्लासिफिकेशन को, आप भूल जाइए कि ये डिस्क्रिप्टिव है या ये एक्सप्लोरेटरी, कुछ नहीं। अब आप मान के चलिए कि आपने एक टॉपिक लिया है, उस टॉपिक को आप डेवलप करना चाह रहे हैं रिसर्च के तौर पर, हम आते हैं उसमें दूसरे लेवल के क्वेश्चंस के साथ, दूसरे लेवल के क्वेश्चन के साथ, यानी हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज इट दैट वी एग्जैक्टली वांट टू नो इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हम एग्जैक्टली जानना क्या चाहते हैं, ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है, एंड वी ऑल नो अबाउट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जो रिसर्च गैप्स है हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, आज के डेट में अगर हम ये कहेंगे कि कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें रिसर्च नहीं हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं से मिस इंटरप्रिटेशन है, हर टॉपिक पे कोई ना कोई रिसर्च हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी होता है कि जो रिसर्च हो चुका है उसको हम गहराई से समझें, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइट। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मैं पर्सनली जब अपने पर्सपेक्टिव को रखता हूं, तो मैं कहता हूं कि हमें तीन चीजों पे फोकस करना चाहिए। ये अपने आप में बहुत ही नुआंस्ड चीज है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमें तीन चीजों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहले रिव्यू ऑफ द मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। देखिए, मेथोडोलॉजी इज द बेसिकली कोर स्ट्रक्चर, है ना। जब मेथोडोलॉजी की अगर आपने रिव्यू नहीं की, आपने ये नहीं देखा कि किसने क्वांटिटेटिव मेथड यूज किया या क्वालिटेटिव मेथड यूज किया, इंडक्टिव यूज किया या डिडक्टिव यूज किया, अब्डक्टिव यूज किया, रिट्रोडक्टिव किया, कौन से मेथड यूज किया, क्यों यूज किया, उस लॉजिक को जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप उसके फाइंडिंग्स को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहली जो चीज होती है कि आप उसके मेथोडोलॉजी को गौर करें और उसकी रिव्यू करें। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द पर्सपेक्टिव्स, जो उसने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स यूज किया है उसकी आप रिव्यू करें। कई बार राइटिंग में डिक्लेयर्ड नहीं होता है कि पर्सपेक्टिव क्या है। सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है वो जानते हैं, हम कभी फंक्शनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, कभी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, कभी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, हर डिसिप्लिन में कोई ना कोई पर्सपेक्टिव होता है। तो आप उसके पर्सपेक्टिव को ढूंढने की कोशिश करें कि वो पर्सपेक्टिव क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, एक, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, दो, तीसरे नंबर पे आता है उसकी फाइंडिंग्स क्या है। जो फाइंडिंग्स है वो आउटकम है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे आइए, उसकी फाइंडिंग्स क्या है, ये तीनों चीजों को आप रिव्यू कीजिए। यहीं से आपको गैप पता चलता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या क्या रिसर्च हुआ है और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको रिसर्च नहीं किया गया है। यानी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर फाइंडिंग आ रही हो लेकिन वो एक खास किस्म के पर्सपेक्टिव को यूज करके किया गया हो। आपको देखना चाहिए कि अगर हमने इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया तो फाइंडिंग क्या आएगी।
अगर हमने इसकी मेथोडोलॉजी में ये लॉजिक ऑफ इंक्वायरी नहीं अप्लाई करके ये लॉजिक ऑफ इंक्वायरी अप्लाई किया होता तो हमारे पास फाइंडिंग क्या आती। तो ये चीजें हमें, ये स्पेस हमें मिलता है जब हम उसका रिव्यू कर लेते हैं। सेकंड चीज आ जाती है उसके बाद कि हमने अपने रिसर्च स्ट्रैटेजी डेवलप करना है कि अब रिसर्च स्ट्रैटेजी क्या है। रिसर्च स्ट्रैटेजी को हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि ये हम पहली बार इसके बारे में बात कर रहे हैं। इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी, हम स्ट्रैटेजी को जैसे ब्लैकी ने यूज किया है, चार अलग अलग उसके नाम दिए हैं उन्होंने, मैं उसी को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इंडक्टिव, डिडक्टिव, रिट्रोडक्टिव एंड अबडक्टिव। मुझे लगता है कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर इकोनॉमिक्स के और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं या स्कॉलर्स हैं तो हो सकता है कि वो अबडक्टिव या रिट्रोडक्टिव को नहीं जानते हों। इंडक्टिव और डिडक्टिव तो सभी जानते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ। रिट्रोडक्टिव और अबडक्टिव में हो सकता है कि लोग थोड़ा सा कम जानते हो, रिट्रोडक्टिव थोड़ा सा कम है, लेकिन हम लोग इस पे आएंगे। इंडक्टिव, डिडक्टिव, रिट्रोडक्टिव और अबडक्टिव। सबसे पहले देखिए इंडक्टिव पे हम आते हैं और मैं इस पे बैकग्राउंड पे नहीं जाऊंगा सीधे क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट होगा हमारे पास। अब देखिए ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी को एक एक लाइन में हम यहाँ पे समझते हैं। ऑन्टोलॉजी क्या कहती है, कहती है ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है कि जब भी हम कोई ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ज्ञान क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फैक्ट। जिसको आप फैक्ट कहते हैं वो फैक्ट क्या है, राइट। यानी आज के डेट में हम दुनिया भर की चीजें कहते हैं ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, पर क्वेश्चन ये कि वो फैक्ट है तो वो क्यों फैक्ट है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फैक्ट। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब हम उसे कंसेप्चुअलाइज करते हैं तो उसको हम मोटे मोटे तौर पर अगर देखें, ऑन्टोलॉजिकली समझने की कोशिश करें तो हम ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। यानी जब हम चीजों को डिस्क्राइब करते हैं तो या तो वो उसके एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स हो जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, और या नहीं तो उसके इंटरनली कॉम्प्रिहेंडेड फीचर हो जिसको हम लोग सब्जेक्टिविटी कहते हैं। हम सभी ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का मतलब हम समझते हैं, लेकिन ऑन्टोलॉजिकली आप देखिए तो हम चीजों को कहीं ना कहीं से या तो ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करते हैं या सब्जेक्टिवली समझने की कोशिश करते हैं। तो एलिमेंट्री लेवल पे ऑन्टोलॉजी से आप यही समझिए। इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास तीन चार टर्म्स दिखते हैं। एक आता है रियलिज्म, दूसरा आता है रैशनलिज्म, तीसरा आता है क्रिटिकल रैशनलिज्म, चौथा आता है कंस्ट्रक्टिविज्म और फिर साइंटिफिक रियलिज्म। ये ऑन्टोलॉजिकल ट्रेडिशन है। हम लोग आमतौर पे इनके बारे में कम बातें करते हैं और यहीं पे हमसे चूक हो जाती है क्योंकि यही एक्चुअली वो कनेक्टिंग थ्रेड है, राइट। तो रियलिज्म, देन रैशनलिज्म, देन क्रिटिकल रैशनलिज्म, देन कंस्ट्रक्टिविज्म एंड देन साइंटिफिक रियलिज्म। इन चार पांच टर्म्स को आप थोड़ा सा ब्रीफली समझ लीजिए, फिर हम आ जाएंगे एपिस्टेमोलॉजी पे। एपिस्टेमोलॉजिकली जब हम लोग बात करते हैं तो एपिस्टेमोलॉजी कहता है कि वो हमें वो सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, यानी हम जिसको नॉलेज कह रहे हैं उसका सोर्स क्या है, हम ज्ञान प्राप्त कैसे करेंगे। अभी देखिए अगर हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे साहब ठीक है टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट सुन रहा है, या एक आदमी बोल रहा है बाकी लोग उसको सुन रहे हैं, तो ये एक नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, ये जो एक्वायर किया गया है ये नॉलेज, ये कैसे। तो अगर हम अपने खुद की जिंदगी में चारों तरफ झांकने की कोशिश करें कि हाउ डू वी नो समथिंग, तो आपको लगता है कि द सोर्स ऑफ जो नॉलेज है वो तीन चार हैं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो नॉलेज होता है जिसको हम अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से गेन करते हैं, राइट, एम्पिरिसिज्म होता है। एक नॉलेज होता है जिसको हम अपने इंट्यूशन से, यानी हमें ऐसा फील होता है, हम ये नहीं बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है पर कहते नहीं हमें कहीं ना कहीं से हमारी इंद्रियों में ये चीज आ रही है, इंट्यूटिव है वो नॉलेज, वो एक इंट्यूटिव होता है। और एक नॉलेज होता है जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन होता है, रीजन होता है, लॉजिक होता है, जब हम लॉजिक से सोच करके रैशनल तरीके से चीजों को समझते हैं तो वहां पे वो एक सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। इन तीन चीजों के अलावा एक चौथी चीज भी होती है जिसको हम कहते हैं अथॉरिटी, यानी जब अथॉरिटी में किसी ने कुछ कह दिया तो हम मान लेते हैं कि ये नॉलेज है, राइट। यानी अगर आप कहिए जैसे धर्म, धर्म क्या है, अथॉरिटी है, धर्म ने कुछ कह दिया तो हमने मान लिया कि यह नॉलेज है, राइट। पॉलिटिकल सिस्टम, एक जमाना था जब उसके पास अथॉरिटी थी, वो कुछ कह देता था तो हम कहते थे कि ये नॉलेज है, राइट। तो अथॉरिटी कई बार सोर्स ऑफ नॉलेज होता है, रीजन
सोर्स ऑफ नॉलेज होता है और अनुभव एम्पिरिसिज्म सोर्स ऑफ नॉलेज होता है। अगर आपने अगस्त कॉम्प्ट के लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को पढ़ा हो या आपने सुना हो तो आप देखते हैं कि उन्होंने भी लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस में इन तीन चीजों की चर्चा की है, राइट? जो सबसे लेटेस्ट स्टेज है उसको वो कहते हैं पॉजिटिव स्टेज, जहां पे वो कहते हैं कि अनुभव के आधार पे ज्ञान को प्राप्त किया जाता है, एम्पिरिसिज्म। देखिए ये एम्पिरिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोशल साइंसेस में हम अलग अलग सोर्स ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, एपिस्टेमोलॉजिकली चीजों को अलग अलग लेवल पे ट्रीट करते हैं। कुछ जैसे फिलॉसफी है, फिलॉसफी में लॉजिक को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, हम कहते हैं कि बगैर लॉजिकल डिस्कोर्सेस के हम नॉलेज तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। और जो मेटाफिजिकल स्टेज था वो मेटाफिजिकल स्टेज लॉजिक की बात करता है, ठीक है, चिंतन की बात करता है। तो एक तरफ हम उस चिंतन को ज्ञान का स्रोत मानते हैं, दूसरी तरफ हम अनुभव को यानी एम्पिरिसिज्म को ज्ञान का स्रोत मानते हैं, और तीसरी तरफ जो थियोलॉजी है या कहीं ना कहीं से रिलीजन है, स्टेट है और अथॉरिटी है, उसको स्रोत मानते हैं। ये सब चीजें होती हैं। अब आप कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में देखिए, जब एक रिसर्चर नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है तो वो सोर्स ऑफ नॉलेज उसके लिए क्या है, तो आप चाहे फिजिकल साइंसेस की बात करेंगे या सोशल साइंसेस की बात करेंगे, आप देखते हैं कि ये एम्पिरिसिज्म है, यानी वो जो अनुभव कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके बेसिस पे। नेचुरल साइंसेस का पूरा नॉलेज लैब से जुड़ा हुआ होता है, एक्सपीरियंसेस से जुड़ा हुआ होता है, एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ होता है, राइट? ठीक इसी तरह से सोशल साइंसेस का भी जो नॉलेज है वो उस एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम एम्पिरिकल साइंसेस की बात करते हैं। तो जब आप एपिस्टेमोलॉजिकली देखते हैं तो आप साइंसेस को कैटेगराइज करते हैं कि कौन कौन से साइंसेस ऐसे हैं जो एम्पिरिकल हैं, जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, और यहीं से हम सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज और लिटरेचर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस एपिस्टेमोलॉजिकल पॉइंट ऑफ डिपार्चर को हमें समझने की जरूरत है। तो ऑन्टोलॉजी को समझिए, एपिस्टेमोलॉजी को, ये दोनों चीजों को हमने याद रखा। अब हम आगे आते हैं, अब चीजें हमारे लिए बड़ा सिंपल होते चली जाती हैं क्योंकि हमने फ्रेमवर्क बना लिया, हमने ऑन्टोलॉजिकल यानी कि ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का एक फ्रेमवर्क बना लिया, और एपिस्टेमोलॉजिकल यानी जो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसका फ्रेमवर्क बना लिया। ये सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, हम तीन को लेकर के चल रहे हैं। एक को आप मान के चलिए जो वेरीफाइड सोर्सेज नहीं है, राइट? यानी या तो वो इंट्यूशन है, या तो वो अथॉरिटी है, या तो वो डिक्टेट्स है जिसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। दूसरा है सोर्स ऑफ नॉलेज जो लॉजिक है, यानी इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा है सोर्स ऑफ नॉलेज जो एम्पिरिकल है, अनुभव है, ऑब्जर्वेशन है, जो भी अपने आप में वेरीफाइबल है। इन तीनों चीजों को लेकर आने के बाद अब आप आगे बढ़िए, देखिए कि हम लोग 19th सेंचुरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद सोशल साइंसेस में एक इंपॉर्टेंट स्टेज आता है जिसको हम लोग कहते हैं रियलिज्म, ठीक है? ये सिर्फ सोशल साइंसेस के साथ नहीं है, ये आर्ट्स में भी आता है, ये टेक्नोलॉजी में भी आता है, ये हर जगह आता है। यानी रियलिज्म क्या है, रियलिज्म एक लाइन में समझिए कि टू अंडरस्टैंड रियलिटी एज इट इज, वास्तविक है, राइट? अब ये जो आप कहेंगे सब वास्तविकता तो वास्तविकता है, इसमें ऐसी बातें क्यों है, तो साहब वास्तविकता वैसी ही वास्तविकता नहीं है जैसा हम उसे समझते हैं। हम जो समझते हैं जरूरी नहीं है कि वही सच हो, और इसका एग्जाम्पल यही है कि एक टाइम था जब हमने समझा था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है, वो राउंड नहीं है, तो जब हम उसे फ्लैट समझते थे तो हमारे लिए वही वास्तविकता थी, और जब हमने उसको राउंड देखा, आंखों से नहीं देखा लेकिन एक्सपीरियंस से देखा, समझा, ऑब्जर्वेशन से समझा, तो हमें लगा कि अच्छा ये राउंड है, इट्स नॉट फ्लैट। तो रियलिज्म यही है जो मिथ को कहीं ना कहीं से पीछे छोड़ता है, रियलिज्म यही है जो कहीं ना कहीं से नॉर्मेटिव प्रिस्क्रिप्शंस को पीछे कर छोड़ता है। यानी हम जब रियलिज्म की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि होना चाहिए से हमारा डिपार्चर है। अब आप समझिएगा, जब हम कहते हैं कि होना चाहिए से डिपार्चर है, मतलब नॉर्मेटिव साइंसेस से हम डिपार्चर करते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज प्राइमरली एन नॉर्मेटिव साइंस, ठीक है? पॉलिटिकल साइंस बहुत ही एज ओल्ड साइंस है, लेकिन उसमें क्या था, उसमें नॉर्मेटिव कंपोनेंट थे, इंस्टीट्यूशनलिज्म था और नॉर्मेटिविज्म था, जहां पर हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए। यानी जब आप देखिएगा कि मिडिवल पीरियड तक में या एंशियंट पीरियड तक में जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बुक थी उसमें वो बात करते हैं कि राजा को ऐसा करना चाहिए, राजा ऐसा कर रहा है इस पे चर्चा कम होती है, और राजा को ऐसा करना चाहिए इस पे चर्चा ज्यादा होती है। जब आप कहते हैं करना चाहिए तो ये रियलिज्म नहीं है, ये
आप नॉर्मेटिज्म की बात करते हैं। रियलिज्म कहां से आई? फोटोग्राफी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फोटोग्राफी ने चीजों का एज इट इज रेप्लिका प्रोड्यूस कर दिया, यानी जैसी चीजें हैं एज इट इज हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये रियलिज्म था। सोशल साइंसेज में भी इस रियलिज्म की जरूरत महसूस की गई कि हम रियलिटी को एज इट इज अंडरस्टैंड करें। अब रियलिटी को डिफाइन करना था, ये बहुत टिपिकल इशू था कि भाई रियलिटी क्या है, इसका एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इट इज आउट देयर, ये एक्सटर्नल है, ठीक है, इसको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब हम रियलिटी को इस तरह से समझने की कोशिश किए तो जो लॉजिक ऑफ इंक्वायरी डेवलप हुई उसे हम कहते हैं इंडक्टिविज्म और इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी को हम लोगों ने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, जिसमें हम कहते हैं कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, यानी हमने एक स्पेसिफिक चीज को ऑब्जर्व किया और उसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को हम इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी चीजों को एक्सटर्नली ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो देखिए, ये बात करती है यूनिटी ऑफ साइंस और यूनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस की, जब हम इसको देखते हैं पॉजिटिविज्म के पर्सपेक्टिव में। यानी इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी को अगर आप देखिएगा कि इसको सबसे ज्यादा किसने फोकस किया, तो आपको पॉजिटिविज्म मिलता है। अगस्त कॉम्प ने पॉजिटिविज्म की बात की है, हम सभी जानते हैं, ठीक है, पॉजिटिविज्म। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिविज्म पे बात की है, मैं लोगों पे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ उस मतलब उस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाह रहा हूँ, एक कहानी की शक्ल में चीजों को आपके सामने बताना चाह रहा हूँ कि आप चीजों को कैसे देखेंगे, ठीक है। जब हम नाम और स्पेसिफिक डिफिनेशन पे जाते हैं तो हमारा फोकस वहां हो जाता है, हम चीजों के इंटरनल कनेक्टिविटी को नहीं समझते हैं। तो पॉजिटिविज्म ने साइंस को एक अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की। उसी पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव में इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी डेवलप होती है, जो रियलिज्म के प्लेटफॉर्म पे ग्रो करती है। ये तीन चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं। रियलिज्म ने एक नया नजरिया दिया देखने का चीजों को, वो कहता है कि जो मिथ है हम उसको नहीं देखेंगे, जो इमेजिनेशन है उसको हम नहीं देखेंगे, जितने भी साइंसेज हैं उन सब में एक तरह की यूनिटी है, राइट, कंटिन्यूटी है, यूनिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो पॉजिटिविज्म कहता है, वो कहता है यूनिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंसेज, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी एक ही है साइंसेज का, उसमें एक तरह की इंटरनल कंटिन्यूटी है। इसके अलावा वो कहते हैं कि अब उसे आप ऑब्जर्व कैसे कर लाइट जल रही है, तो उसे देखने वाला मैं और आप में से कोई भी हो, इससे फैन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फैन चल रहा है, ठीक है, दिस इज डिसोसिएटेड विद द ऑब्जर्वर। तो रियलिटी इज एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल हु इज ऑब्जर्विंग, उसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यानी अगर ये दुनिया एग्जिस्ट कर रही है तो ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। इसी तरह से अगर हम सोशल कंटेक्स्ट में चीजों की बात करें, जो भी फेनोमेनन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो भी फैक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये चीजों को लेकर के पॉजिटिविज्म आगे बढ़ती है। आप इन चीजों को काफी हद तक जानते हैं। मैं इससे ज्यादा यहाँ पे नहीं जाऊंगा, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पर वापस आऊंगा। दो तीन चीजों को यहाँ पे आप बहुत क्विकली समझिए, जो मेथोडोलॉजिकली यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कि जब आप पॉजिटिविज्म के पर्सपेक्टिव में देखते हैं और इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, तो इंडक्टिविज्म कहता है कि जिस रियलिटी को आप ऑब्जर्व
आप में नॉलेज है, इसमें हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसमें सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन जैसे ही हुआ तो वो सिलेक्शन कौन कर रहा है? हम और आप कर रहे हैं। और जैसे ही हमने या आपने सिलेक्शन किया, हमारी और आपकी बायसनेस उसमें आ गई, न्यूट्रलिटी खत्म हो गई, यानी जो नॉलेज जिस फॉर्म में होना चाहिए था वो उस फॉर्म में नहीं हुआ, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि एडल्टरेटेड हो गया, राइट। तो उसको उसकी टोटालिटी में ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखिए, जब हम यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि पॉजिटिविज्म से ये इन्फ्लुएंस्ड है, रियलिज्म के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, और ये सीधे सीधे कहता है कि हमें चीजों को टोटालिटी में ऑब्जर्व करना चाहिए और कोई सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए और कोई प्री कंसीव्ड नोशन भी नहीं होना चाहिए। अब आप अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप याद कीजिए दुर्खिम को, दुर्खिम इज टॉकिंग अबाउट दिस सोशल फैक्ट्स, है ना, और एग्जैक्टली इन्हीं सारी चीजों की बात करता है। कहता है सोशल फैक्ट एक्सटर्नलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एक उसका कंपल्सन होता है, हमको सोशल फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन सोशल फैक्ट में लेना चाहिए। लेकिन आप सोशियोलॉजी को यहाँ छोड़ भी दीजिए, हम तो बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट में नहीं जाना चाह रहे हैं, सीधे सीधे हम सोशल साइंसेस की बात कर रहे हैं। अगर आप इंडक्टिव की बात करेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, चाहे वो साइकोलॉजी में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, हर जगह सेम प्रोसेस है, यही चीजें हो रही हैं कि हम टोटैलिटी में चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। अब जब आप टोटैलिटी में ऑब्जर्व करेंगे तो ऑब्जर्व कैसे करेंगे, ये इशू होता है। अब आप देखिए, आपने जाना है सैम्पलिंग, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे मैं मेथड्स पे ले जा रहा हूँ, हम कई बार बात करते हैं मेथड्स की बात करते हैं और हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, सैंपल लेता है या सेंसस लेते हैं। तो अगर हम टोटालिटी में ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो प्रीफर्ड मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, हमारा सेंसस होना चाहिए, ठीक है ना, तो ना के सैम्पलिंग होनी चाहिए। और अगर हम सैम्पलिंग करते भी हैं तो हमारे पास जो प्रीफर्ड मोड ऑफ सैम्पलिंग है वो है रैंडम सैम्पलिंग, राइट, क्योंकि सेलेक्शन को हमको अवॉइड करना है। इस चीज को याद रखिएगा, जब आप इंडक्टिव में बात कर रहे हैं तो किसी भी तरह का सिलेक्शन हमें अपनी तरह से नहीं करना है, टोटालिटी में करनी है। एक और चीज है जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हाइपोथेसिस इज नॉट रिक्वायर्ड है। अब आप कहेंगे सर हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस की तो चर्चा हुई नहीं थी, या हाइपोथेसिस कहाँ से आया। हाँ, ये बात सही है, बस मैं ये कह रहा हूं कि हम लोगों ने जो हमारे पास पहले से ज्ञान है जिसमें हम बार बार हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो उसी ज्ञान को आप ध्यान में रखिए। हाइपोथेसिस यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, विल कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन, राइट। अब हम इससे दूसरे जो हमारे पास रिसर्च स्ट्रेटेजी आती है जिसको डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी कहते हैं, उस पे आते हैं। देखिए, जब इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी की बात हुई तो कार्ल पॉपर ने इसका बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म किया। कार्ल पॉपर को आपने पढ़ा होगा, उन्होंने ये कहा कि देखिए इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ पैटर्न्स की स्टडी करती है। जब आप पैटर्न की स्टडी कर रहे हैं तो पैटर्न्स आर नॉट नेसेसरीली द कॉजल एक्सप्लेनेशंस, यानी अगर दो चीजें साथ साथ हो रही हैं या चार चीजें साथ साथ हो रही हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि वो एक दूसरे को कॉज कर रही है, ठीक है। तो वो उन्होंने उस कॉजेशन के पर्सपेक्टिव से जो पैटर्न बनता है उसको रिजेक्ट किया। फिर पॉपर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म की बात की जो कहते हैं फॉल्सिफिकेशन। उन्होंने कहा कि हमें डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी में प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन की बात करनी चाहिए। अब वो कहते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं या ऑब्जर्वेशंस होते हैं या चीजें होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, एक वो जिनको फॉल्सिफाई किया जा सकता है और एक वो जिनको फॉल्सिफाई नहीं किया जा सकता है, यानी जिनको हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं, गलत साबित कर सकते हैं। यानी जैसे भगवान है, अल्लाह है, क्या इसे हम गलत या सही साबित कर सकते हैं? आंसर इज नो, हम इसे गलत या सही साबित नहीं कर सकते हैं। तो पॉपर के मुताबिक ये हमारे सोशल इंक्वायरी का सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज इट कैनॉट बी फॉल्सिफाइड। लेकिन अभी दिन है या रात है, हम ये साबित कर सकते हैं, तो इसको हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं, राइट। तो ये कहते हैं कि जिसको हम फॉल्सिफाई कर सकते हैं, दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइंसेज, उसी का हम लॉजिक ऑफ इंक्वायरी अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो फॉल्सिफाई हो जाता है उसको हम कहते हैं कि नहीं, वो फॉल्सिफाई है। लेकिन जो फॉल्सिफाई नहीं हो पाता है उसे हम नए फैक्ट्स के जरिया, नए पैटर्न्स के जरिया फॉल्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। यानी डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले हम
एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं चीजों का, जो एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन है उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे वर्ड आता है क्रिटिकल रैशनलिज्म, याद रखिएगा। कार्ल पॉपर इज टॉकिंग अबाउट क्रिटिकल रैशनलिज्म। जब रियलिज्म की बात हुई तो रियलिज्म में रैशनलिज्म मेटाफिजिक्स सबको रिजेक्ट कर देगा, बट पॉपर इज सेइंग कि नो, रैशनलिज्म कैन नॉट बी रिजेक्टेड, इट नीड्स टू बी ब्रॉट बैक टू द डिस्कोर्सेस। और वो उसको एक इम्प्रूव्ड फॉर्मेट में लाते हैं जिसको हम क्रिटिकल रैशनलिज्म कहते हैं। वो कहते हैं जिसको लॉजिकली एस्टैब्लिश किया जा सकता है वो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पे हम लॉजिकली चीजों को रिलेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अगर लॉजिकली वो एक्सप्लेन हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, अगर एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं तो हम उसमें प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन लगाते हैं, फॉल्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर वो फॉल्सिफाई हो जाए तो ठीक है, और अगर नहीं हुए तो हम नए फैक्ट्स लेके आते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि नए फैक्ट्स की तरफ हम यहाँ पे फिर भी जा रहे हैं। बाय अप्लाइंग द डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी वी गो फॉर कलेक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्स, लेकिन इंडक्टिव लॉजिक में हम शुरुआत ही करते हैं कलेक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्स। इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी में वी बिगिन विद कलेक्शन ऑफ न्यू फैक्ट्स। डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी ये कहती है, कार्ल पॉपर ये कहता है कि हम कभी भी नए फैक्ट को बगैर किसी पर्सपेक्टिव के नहीं समझ सकते। यानी जब भी हम नए फैक्ट्स को कलेक्ट करने जा रहे हैं वी आर हैविंग सम काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव, और वो पर्सपेक्टिव हमें बायस कर देता है। तो डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी हमें ये बताता है कि पहले हम लॉजिकली चीजों को समझना है, क्रिटिकल रैशनलिज्म अप्लाई करना है, और उसके बाद जो हमारे पास फॉल्सिफाइबल फैक्ट्स हैं उन्हें हम फॉल्सिफाई कर देते हैं, जो नहीं हो पाते हैं उनके लिए हम नए फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते हैं, नया डेटा कलेक्ट करते हैं, और फिर उसके आगे उस तरह से हम उसे एक हाइपोथेसिस के मोड पे ला करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोथेसिस हाइपोथेटिकल टेस्टिंग मेथड, कार्ल पॉपर का है डिडक्टिव मेथड। अब इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो पॉजिटिविस्ट साइंसेस हैं वहां पे ये जो मॉडल है डिडक्टिव मॉडल ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स है जहाँ पे आप दो चीजों के बीच में रिलेशन देखते हैं, जैसे डिमांड और सप्लाई है, तो आपने मैथमेटिकल एक फॉर्मूला लगाया, आपने कहा कि भाई नल हाइपोथेसिस है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपके पास फिगर्स हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, आपने उसमें एक लॉजिक लगाई, काई स्क्वायर टेस्ट लगा दिया, काई स्क्वायर टेस्ट के जरिए आपको पता चल रहा है कि रिलेशनशिप है या नहीं है। अगर रिलेशनशिप है तो फिर आपने चाहा तो फर्दर उसमें रिग्रेशन अप्लाई कर दिया, जब आपने रिग्रेशन अप्लाई किया तो उससे आपको कॉजेशन भी समझ में आ रहा है। यानी अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जहां पे आपके पास डाटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, तो आप इन चीजों को यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां आ जाती है जब आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जहां पे सब्जेक्टिविटी है, जहां पे आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अवेलेबल नहीं है, वहां पे आप इस तरह से रिग्रेशन या काई स्क्वायर का टेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी सीधे सीधे हमें इनको नल हाइपोथेसिस बनाने की बात करती है और फॉल्सिफाई करने की बात करती है। तो ये हमारे लिमिटेशंस हो जाते हैं। चलिए, हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव दो लॉजिक ऑफ इंक्वायरी को यहाँ पे समझ लिया है। हमारे पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, हम तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक तीसरी लॉजिक ऑफ इंक्वायरी है जिसको हम कहते हैं अब्डक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द एक्टर्स पर्सपेक्टिव। अब आप देखिएगा, जब आपने इंडक्टिव यूज किया या डिडक्टिव यूज किया, इसमें जो एक्टर है यानी जो इन्वॉल्व है सोशल रिलेशन में, उसका कोई रोल नहीं था। ये रिसर्चर रिसर्चर ही काम कर रहे हैं, सर्वेयर आकर के सर्वे कर रहे हैं, रिसर्चर आकर रिसर्चर कर रहा है, हमारे ऊपर रिसर्च हो रहा है हमें पता ही नहीं, राइट? हम सोशल बीइंग हैं, लेकिन वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिसर्च। तो ये कहते हैं कि ये रिसर्च इज इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्रिहेंसिव है। एक्टर का पर्सपेक्टिव होना चाहिए, राइट? अभी जो एक्टर का पर्सपेक्टिव है, मतलब अगर कोई बीमार है तो वो बीमार क्या एक्सपीरियंस कर रहा है ये तो वो बीमार ही बता सकता है। अगर कोई खुश है तो वो खुशी का क्या मतलब है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है ये तो वही बता सकता है। अब जिसको आप कहते हैं कि आंसू है ना, कहते हैं कि खुशी के आंसू है या दुख के आंसू है, तो एक रिसर्चर जो देख रहा है आंसू, वो देख के नहीं कह सकता कि ये खुशी के आंसू है या ये दुख के आंसू है, ठीक है? तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसका पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है, एक्टर का पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। आप जिसको गरीब कहते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं, आपने कहा
गरीबी का आपने डिफाइन कर दिया पॉवर्टी लाइन, 26 रुपये में जो खर्च कर सकते हैं। साहब अगर हमें एक्सटर्नली डिफाइन करना है तो आप 26 रुपये कर दीजिए, आप 10 रुपये कर दीजिए, आप 20 रुपये कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन अगर आप 26 रुपये पर डे के हिसाब से 2 साल अपनी जिंदगी गुजारें तो आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज कमिंग अंडर द पॉवर्टी लाइन और नॉट। यानी जो हमारा एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, जो एक्टर का पर्सपेक्टिव है, अब ये चाहे आप सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें या एंथ्रोपोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें या फिर दूसरे कई सोशल साइंसेज हैं उनके पर्सपेक्टिव से देखें। एक इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए इकोनॉमिक्स अपने आप को पॉजिटिविस्ट साइंस कहता है, रैशनल मानता है, और एक इकोनॉमिस्ट ने अभी 2 साल पहले कहा कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो पूरी तरह से रैशनल नहीं है, इरेशनल है, उसको नोबेल प्राइज मिल गया। सोशियोलॉजी तो हमेशा से कह रही है कि नहीं, पूरी तरह से रैशनल नहीं होता है, रैशनल इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप मार्केट में जाते हो, अगर कोई चीज आपको महंगी भी मिल रही होती है तो भी आप एक पर्टिकुलर शॉपकीपर से खरीदते हो उस चीज को। दिस इज नॉट रैशनल बिहेवियर बिकॉज यू आर गेटिंग गाइडेड बाई सर्टेन अदर थिंग्स। मैक्स वेबर इज अ बिग सोशल साइंटिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट हु टॉक्ड अबाउट this actor's perspective, and we know how he constructed the notion of ideal type, how he constructed empathy, Western everything, right? आपने वेबर की बुक देखी होगी, देखिए मैं अगर आपके सामने टाइटल आ रहा है तो नहीं, ये रिवर्स में आ रहा है, the methodology of the social science, right? Max Weber की ये बहुत पॉपुलर बुक है, the methodology of the social sciences. So Max Weber is primarily talking about social sciences और इसकी methodology की वो बारे में बातें कर रहे हैं, फिर वहां पे वो कहते हैं कि जो actor का perspective है, जो Western है ना, वो बहुत important है, और इसमें वो interpretation की बात करते हैं, interpretative understanding. So now this interpretation is very important. तो अब ये क्या होता है कि जब हम positivism के हिसाब से बातें करते थे तो inductive और deductive में हम confined रह जाते हैं, but when we come to understand the meaning given by the actor, then this is altogether a new world. This is often known as post-positivist perspective. अब आप देखिए यहाँ से बहुत सारे schools बनते हैं, interpretative school यहाँ बनता है, phenomenology यहाँ बनता है, ethnomethodology यहाँ बनता है, structuralism यहाँ बनता है, post-structuralism यहाँ बनता है, post-modernism यहाँ बनता है, right? यानी अगर आप इंडक्टिव और डिडक्टिव के फ्रेमवर्क में देखते हैं, सिर्फ पॉजिटिविस्ट साइंटिस्ट के तौर पर देखते हैं, तो देखिए चीजें सिर्फ इंडक्टिव और लॉजिक सिर्फ पॉजिटिविज्म पे खत्म हो जाती है, राइट? लेकिन अगर आप मीनिंग की बात करते हैं, वेबेरियन पर्सपेक्टिव में चलते हैं, एक्टर को देखने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिए कि हमें इंटरप्रेटिविज्म से, सिम्बॉलिक इंटरैक्शनिज्म से, एक्सचेंज थ्योरी से, फेनोमेनोलॉजी तक, इतना मेथोडोलॉजी तक, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म तक आती है। अभी ये जो एक ऑल्टुगेदर न्यू एरिना ऑफ नॉलेज है, इनको हमको कॉम्प्रीहेंड करना है, ये बड़ा स्कोर होता है इकोनॉमिक्स के लिए या पॉजिटिविस्ट साइंस के लिए। जैसे साइकोलॉजी यूज करती है, इकोनॉमिक्स यूज करता है, एजुकेशन यूज करता है, कई बार पॉलिटिकल साइंस यूज करता है, इनके ज्यादातर रिसर्च इंडक्टिव और डिडक्टिव के बीच में रह जाते हैं, उनके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती है, लेकिन सोशियोलॉजी के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, या जो भी कोई इस तरह के मीनिंग की बात करता है, उनके लिए कहानी बहुत आगे बढ़ जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि इनको इन सारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। चलिए यहां तक आते हैं। इसके बाद आपने कहा होगा, सब हमने दुर्खीम की बात की, हमने वेबर की बात की, हम मार्क्स कहीं नहीं आ रहा, बट मार्क्स के बगैर तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो मार्क्स जब हम आते हैं तो मार्क्स टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर्स। मार्क्स को कई बार हम पॉजिटिविस्ट कहते हैं क्योंकि हाँ, उन्होंने एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस के बारे में बातें की हैं, लेकिन मार्क्स गोज बियॉन्ड दैट। मार्क्स को समझने के लिए अब यहां पे आपको एक तीसरी चीज की बात हम बात करेंगे, जो हम कहते हैं क्रिटिकल रियलिज्म या साइंटिफिक रियलिज्म ऑन्टोलॉजिकली। ये चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रोक करके बताने की कोशिश करूंगा, 5 मिनट यहाँ पे मैं आपका लूंगा, ठीक है? मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने पहले कहा इंडक्टिव है, पॉजिटिविस्ट है, और राइट रियलिज्म जो रियलिटी को एज इट इज देखती है, एक्सटर्नल देखती है, राइट? ज्यादातर सोशल साइंसेस पॉजिटिविस्ट उसको देखते हैं। फिर हम कहते हैं दूसरे लेवल पे वही रियलिज्म है, लेकिन रियलिज्म में क्रिटिकल रैशनलिज्म भी आ जाता है, जो कार्ल पॉपर लेके आते हैं। रियलिज्म में कार्ल पॉपर लेके आते हैं क्रिटिकल रैशनलिज्म, और वो डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी होती है, जो कहती है कि सिर्फ इंडक्टिव पे, यानी सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम नहीं कर सकते हैं, हमको क्रिटिकल रैशनलिज्म से उसको मिक्स करना है,
ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हम कहते हैं नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन से हम रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टर की अपनी एक पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव है, वर्ल्ड व्यू है, हमें उस एक्टर के पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। यहाँ पे आता है हमारा एब्जेक्टिविज्म, ठीक है, जिसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। यानी कहते हैं कि रियलिटी जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, यानी आप जिसे सच कहते हैं वो सच एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, राइट? आज के डेट में अगर कहते हैं ना कि एक झूठ को अगर 100 लोग मिलकर बोलते हैं तो वो सच बन जाता है, ये सच बन जाने क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। ये जो पूरा का पूरा मीडिया है ये क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। ये प्रोपेगेंडा है ये क्या है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है। यानी रियलिटी का अपने आप में एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। हम जिस चीज को जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसको उसी शक्ल में देख रहे हैं, जान रहे हैं। ये अगेन अगर आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में यहाँ जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। इस कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव को समझने के लिए हमें एक्टर को समझना है, हमें एब्जेक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी को समझना है। ये तीन चीजों पर हम आ गए। अब चौथी चीज आती है जहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब हम कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि हम पोस्ट मॉडर्निज्म पे आते हैं। और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहती है, पोस्ट मॉडर्निज्म ये कहती है कि देयर इज नो मेटा थ्योरी, नो मतलब मैक्रो लेवल थ्योरी, राइट? रियलिटी इज मल्टीफेसेटेड, है ना? जब हमने रियलिज्म में कहा कि रियलिटी को हम एक्सटर्नली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्निटी आके क्या कहती है कि रियलिटी मल्टीफेसेटेड है, देयर इज नो अल्टीमेट रियलिटी, रियलिटी के मल्टीपल डायमेंशन हैं। तो अब जब आप मल्टीपल डायमेंशन की बात करते हैं, वो सारे के सारे थियोरिटिकल प्रोपोजिशन को रिजेक्ट करते हैं। तो जब पोस्ट मॉडर्निटी सारे थियोरिटिकल प्रोपोजिशन को रिजेक्ट करती है, तो अब इसको आप कंपेटेबिलिटी कैसे लाइएगा? यानी एक तरफ जो रियलिज्म का फ्रेमवर्क है और दूसरी तरफ कहते हैं रियलिटी को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो इस दोनों के बीच में कंपेटेबिलिटी नहीं है। यानी लगता है कि सोशल साइंसेज एक तरह से मीनिंगलेस हो जा रहे हैं। तो यहाँ पे आकर के एक मेजर ब्रेक थ्रू है जो भास्कर करते हैं और हारे करते हैं, when they are talking about the underlying structures and critical realism. Now this critical realism or scientific realism is the most important component. Critical realism says that reality is multi-layered. Now this is anything important. आमतौर पे हिंदी के टेक्स्ट बुक में हम अभी इन चीजों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये कहते हैं कि जो reality है ये multi-layered है, हम तीन अलग अलग layers में reality को देख सकते हैं। एक empirical है, दूसरा actual है, और तीसरा रियल है। एम्पिरिकल जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेबल है, जिसके बाद इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी में होती है या डिडक्टिव में होती है, दैट इज एम्पिरिकल, राइट? एक्सटर्नली विजिबल। दूसरा कहते हैं एक्चुअल है। एक्चुअल में क्या है, इट कैन बी विजिबल एंड इट कैनॉट बी विजिबल। जैसे पोस्ट मॉडर्निटी अगर बातें करती है तो वो कहती है क्या, ट्रुथ में कुछ विजिबल होता है और कुछ उसका इनविजिबल पार्ट होता है। आप कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी जो विजिबल है इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो अंडरग्राउंड है। तो वहां पे पार्ट ऑफ दैट इज विजिबल, पार्ट ऑफ दैट इज इनविजिबल, जिसको हम एक्चुअल के डोमेन में देखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो डोमेन है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं रियल, जिसपे वो कहते हैं कि ये अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स है, जो जेनरेटिव मैकेनिज्म है। अब आप समझिए, हम सारी चीजों को समझते हैं, जैसे कास्ट है, क्या हमारे डे टू डे के व्यवहार में कास्ट की आइडेंटिटी दिखती है? आपके साथ नहीं दिखती है, लेकिन क्या कास्ट उसे इन्फ्लुएंस करती है? जवाब है, इन्फ्लुएंस करती है। क्या रिलीजन हमारे डे टू डे के एक्टिविटी में हर तरह से दिखती है? हो सकता है नहीं दिखती हो, लेकिन क्या वो इन्फ्लुएंस करती है? आंसर है, इन्फ्लुएंस करती है। मार्क्स ने क्लास की बात की, और मार्क्स तो बिल्कुल कंप्लीटली क्लास की बात करते, कहता है कि सब कुछ क्लास बिहेवियर है। तो जो क्लास, जो एम्पिरिकली विजिबल नहीं होता है लेकिन वो अंडरलाइंग रियलिटी के तौर पर दिख रहा होता है, तो आप इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि जब हम क्रिटिकल रियलिज्म की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनरेटिव मैकेनिज्म्स व्हिच आर द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिज्म्स। हियर भास्कर इज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसडेंटल रियलिटीज एंड हरे इज टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टिविस्ट, द स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो मैं उस पर फर्दर डिटेल पे नहीं जाऊंगा, बस ये समझिए कि हरे और भास्कर ने अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स और मैकेनिज्म की बात की, जो ये कह रहे हैं कि हम रियलिटी को सिर्फ ऑब्जर्वेबल रियलिटी के तौर पर नहीं देख सकते हैं, उसके अंडरलाइंग मैकेनिज्म को भी हमें देखने की जरूरत है, और वो मल्टीपल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली रिट्रोडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी।
राइट। तो अब हम लोगों ने क्या, चार लॉजिक ऑफ इंक्वायरी की बात कर ली, इंडक्टिव, डिडक्टिव, रिट्रोडक्टिव एंड अबडक्टिव, राइट। अब आइए हमारी कहानी इसके आगे अगले 10 मिनट में खत्म हो जाती है। अब नॉर्मन ब्लैकी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी रिसर्च को ये समझा देते हैं या ये समझ लेते हैं कि ये किस लॉजिक ऑफ इंक्वायरी से आपको आगे बढ़ना है, आपका काम हो गया। इंडक्टिव, डिडक्टिव, रिट्रोडक्टिव एंड अबडक्टिव, बिकॉज इच लॉजिक ऑफ इंक्वायरी इज हैविंग इट्स ओन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, ठीक है। उसके अपनी एपिस्टेमोलॉजी है, उसके अपनी ऑन्टोलॉजी है जो रिलेटेड है। यानी आपने जैसे ही लॉजिक ऑफ इंक्वायरी पकड़ ली उस टॉपिक पे, आपका काम आसान हो गया। अगर आपका इंडक्टिव है तो अब आपको सेंसस मेथड को फॉलो करना है, या आपको सैम्पलिंग करना है तो रैंडम सैम्पलिंग करना है। डिडक्टिव है अगर तो उसके आपको कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस डेवलप करनी है, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग होनी है। अगर अबडक्टिव है तो आप मीनिंग उसको देख रहे हैं, यानी आप उसमें इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, आप एक्टर का पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करेंगे, आप केस स्टडीज करेंगे। अगर रिट्रोडक्टिव है तो आपको दो लेयर्स पे काम करना पड़ेगा, एक ऑब्जर्वेबल और एक अंडरलाइन। तो ये चीजें बहुत ही साफ तौर पर दिखने लगती हैं। पर क्वेश्चन ये है कि हम कैसे समझेंगे, रिसर्चर ये कैसे समझेगा कि उसे जिस टॉपिक पे रिसर्च करना है उसमें उसे कौन सी रिसर्च स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। एंड ब्लैकी ने इसको बहुत आसान कर दिया, यहीं पे वो लेकर आते हैं रिसर्च क्वेश्चन। यानी व्हेनेवर यू हैव आफ्टर डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च, यू नीड टू डेवलप स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चंस। अपने ऑब्जेक्टिव को आप रिसर्च क्वेश्चंस में डिवाइड कीजिए। और कहते हैं कि प्राइमरीली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, व्हाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर वो रिसर्च क्वेश्चन है तो उसको आप तीन बेसिक टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, व्हाट टाइप, व्हाई टाइप एंड हाउ टाइप। व्हाट क्या है, व्हाई क्यों एंड हाउ कैसे, राइट। किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आप अगर इस पे एक्सरसाइज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाँ हम सारे क्वेश्चंस को प्राइमरीली इन तीन बेसिक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि इफ यू आर हैविंग अ व्हाट टाइप ऑफ, यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, अगर आप व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डील कर रहे हैं तो आपका रिसर्च प्राइमरीली या तो इंडक्टिव होगा या अबडक्टिव होगा। अगर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो ये इंडक्टिव होगा या अबडक्टिव होगा। इंडक्टिव होगा अगर आप पॉजिटिविस्ट फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, रियलिज्म में अपने आप को सिचुएट कर रहे हैं तो ये इंडक्टिव होगा। और अगर आप फेनोमेनोलॉजिकल या इंटरप्रेटिविस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, राइट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं तो वो अबडक्टिव होगा, राइट। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अब ये व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है, ये वही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन है आपका या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, जहां पे आप एक्सप्लोर करते हैं। यानी व्हाट इज दिस, अभी COVID-19 है, व्हाट इज दिस COVID-19, राइट, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ COVID-19, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है, हु आर द पर्संस हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय COVID-19, तो इसी क्वेश्चन को आप, जब क्वेश्चन में हु पे है उसको आप व्हाट, व्हाट टाइप कीजिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड बाय COVID-19, राइट। यानी हम हु टाइप के क्वेश्चन को, वेयर टाइप के क्वेश्चन को, व्हेन टाइप के क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चंस को हम व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे लिव इन रिलेशनशिप की बात करते हैं तो व्हाट टाइप ऑफ फैमिली इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। अब ये अपने आप में बहुत अच्छा एक रिसर्च का इशू है ना, कि व्हाट टाइप ऑफ फैमिली इज कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये इस तरह की जो भी रिसर्च है, जो जिसको आप कन्वेंशनली एक्सप्लोरेटरी कहते थे, वो सब के सब हमारे यहाँ पे इंडक्टिव रिसर्च आ रहे हैं। और अगर इंडक्टिव रिसर्च है तो हाइपोथेसिस नहीं होगा, राइट। व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देयर इज नो नीड ऑफ हाइपोथेसिस। अब आपको सिंपली जो इंडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी की जो भी चीजें हैं उसको अप्लाई करना है। यानी आपने रिसर्च क्वेश्चन डेवलप किया और रिसर्च स्ट्रेटेजी में आपने कहा कि ये इंडक्टिव है एंड योर थिंग्स आर सेटल्ड। अगर व्हाई टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्यों हो रहा है, इसका मतलब आपको उसमें एक कॉजेटिव फैक्टर लेके आना है, उसका एक कॉजल एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेनेटरी है वो रिसर्च, क्यों हो रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल रीजंस। और ये पॉसिबल रीजंस कैसे लेके आएंगे आप, जब आपको रीजंस लेके आना है तो सोशल साइंसेस में उसको लाने का एक ही तरीका है, यू हैव टू गो फॉर अ हाइपोथेसिस। तो आपको एक नल हाइपोथेसिस डेवलप करनी है दो वेरिएबल्स के बीच में, यू हैव टू आइडेंटिफाई मल्टीपल वेरिएबल्स, आप बहुत सारे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उन सारे वेरिएबल्स में आपको देखना है कि आपको देखना है कि हम कैसे
एक कॉजल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी चीजें हो जा रही होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में बहुत आसान हो जाती है चीजें, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आपने वेरिएबल्स लिए, आपने नल हाइपोथेसिस बनाया और चीजें हो गई, ठीक है। सोशियोलॉजी में इशू होता है, सोशियोलॉजी में क्यों इशू होता है, देखिए जब आप रिग्रेशन अप्लाई करेंगे तो एक उसमें क्राइटेरिया होता है, एक रिक्वायरमेंट होता है, आमतौर पर स्टूडेंट्स नहीं उसको ध्यान दे पाते हैं कि उसमें जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सोशियोलॉजी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, हर चीज का इम्पैक्ट दूसरी चीज पे होता है, राइट। लेकिन फिर भी डिडक्टिव रिसर्च यहाँ पे हो सकते हैं, कई बार हम लोग डिस्क्रिप्टिव फीचर्स के साथ भी डिडक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी को फॉलो करते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अगर इंडक्टिव और डिडक्टिव, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, इंडक्टिव इफ इट इज पॉजिटिविस्ट, डिडक्टिव में क्या होगा, व्हाई टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हम डिडक्टिव करेंगे और फिर हम उनके कॉजल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, उस चीज होगी। अब आइए, अगर वो क्वेश्चन हमने कहा कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन है और वो फेनोमेनोलॉजिकल है, क्वालिटेटिव है, तो वो अब्डक्टिव में जाएगा। व्हाई टाइप ऑफ क्वेश्चन है और अगर वो फेनोमेनोलॉजिकल है वो भी अब्डक्टिव में जाएगा। अब अगर तीसरे क्वेश्चन आता है हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन, कैसे हो रहा, जब ये हाउ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि ये कई वेरिएबल्स में हमें इसको डिवाइड करना पड़े। सम ऑफ द हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी कन्वर्टेड बैक टू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिसमें हमें कुछ मिसिंग वेरिएबल्स को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। यानी ये चीज हो तो रही है, जैसे दिन सुबह हो रही है, शाम हो रही है, आप कहते हैं कि सूरज डूब रहा है, सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा है। सन अगर एक तरफ सेट होता है तो दूसरी तरफ राइज कैसे होता है, यानी देयर आर सम मिसिंग वेरिएबल्स दैट वी डोंट नो। वहीं पे बात होती है वो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स की, अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स की, राइट। फॉर दैट इफ देयर इज अ फेनोमेनन विच कैनॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स, देन वी नीड टू फॉलो रिट्रोडक्टिव डिजाइन, वी हैव टू प्रोड्यूस, वी हैव टू क्रिएट सम मॉडल्स, हम कुछ मॉडल्स बनाना पड़ता है, उनको प्रूव करना पड़ता है और फिर जाकर के हमें उसे वेरीफाई करना पड़ता है, वो हाइपोथेटिकल मॉडल हो जाता है हमारा, वो हम करते हैं। और अब लास्ट में हम आते हैं अब्डक्टिव रिसर्च डिजाइन, यानी अगर हमारे पास व्हाट टाइप या वाई टाइप का क्वेश्चन है या हाउ टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम उसे फेनोमेनोलॉजिकली करना चाहते हैं, एक्टर के पर्सपेक्टिव से करना चाहते हैं, तो हमारा अब्डक्टिव लॉजिक ऑफ इंक्वायरी हो जाता है। तो यानी आपने अगर रिसर्च क्वेश्चन डेवलप कर लिया और रिसर्च स्ट्रेटेजी आपने तय कर ली, तो अब आपका रिसर्च डिजाइन बन गया। ये रिसर्च डिजाइन आपकी पूरी रिसर्च की प्रक्रिया को तय करता है, यानी आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया, जहां के बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स यू डेवलप योर बेसिक रिसर्च क्वेश्चंस, नाउ दोज रिसर्च क्वेश्चंस आर गाइडिंग यू फॉर रेस्ट ऑफ योर रिसर्च थ्रू योर रिसर्च डिजाइन, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च स्ट्रैटेजी। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातों को मोटे मोटे तौर पर यहाँ तक पूरी कर ली है। अब मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका यहाँ पे व्यू लेना चाहूंगा, क्योंकि कितना समय है मेरे पास या उनके पास और क्या क्या चीजें हैं। अब मुझे लगता है कि मैं अपनी बातें यहाँ पे ठीक से कह पाया। एक दो चीज मैं यहाँ पे आपको और एड कर देता हूँ, एक दो चीजें सिर्फ। देखिए जो बातें मैंने कहा, आप कहेंगे सर सारी बातों की ये बातें थोड़ी सी अलग अलग सी है, वैलिडिटी क्या है, वैलिडिटी एक फैक्टर होता है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ, मैं एक विविड रिसर्चर हूँ, मेरा रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है और मैं रिसर्च को उस तरह का रिसर्च करना चाहता हूँ जहाँ पे रिसर्च शुड ब्रिंग सम काइंड ऑफ डिफरेंस। सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और हमारे स्टूडेंट के साथ हम लोगों का पेपर पब्लिश हुआ है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में, जहाँ पे हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को क्वेश्चन किया है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आप जानते हैं कि सबसे बड़ा एक नैरेटिव है, हमने उसको क्वेश्चन किया है क्योंकि उसके जो नॉन मेडिकल कॉजेज हैं वो बहुत प्रोमिनेंट है और सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी को वो प्रमोट कर रहा है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अभी तक इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। ये वीमेन एम्पावरमेंट के जो पूरी की पूरी नैरेटिव है उसको कहीं ना कहीं से कमजोर कर रहा है। तो हम लोगों ने पेपर ईपीडब्ल्यू में पब्लिश किया, हम वेब ऑफ साइंस में हमारे पेपर पब्लिश हो रहा है, हम स्कोपस में पेपर पब्लिश अपने करा चुके हैं। इसका मतलब ये कि ग्लोबल लेवल पे हमारे इतने क्रेडेंशियल्स हैं कि मुझे लगता है कि आपको ये मानना चाहिए कि मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी की समझ है और हम कंटेम्प्रेरी रिसर्च में वैल्यूबल एडिशंस कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मेरी बातों में कोई मतलब वैलिडिटी है, ऑथेंटिसिटी है, ठीक है। यहाँ के बाद मैं धन्यवाद दे देता हूँ अपनी तरफ से वादा स्कूल ऑफ थॉट को और पंकज को, जिन्होंने मुझे मौका दिया है। अब मुझे लगता है कि आई एम गिविंग बैक माइक टू देम। थैंक यू सो मच सर। अगर किसी के सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, हम वो सवाल सर से करेंगे और आपका आंसर द्वारा मिलेगा। किसी के सवाल
पंकज जी कुछ सवाल आए हुए हैं, मैं उसको मैं हाँ उनको बोल देना चाहूंगा। हाँ आप बोल दीजिए जो भी सवाल जी फेसबुक से आए हैं पहले। जी जी एक एक प्रश्न आया हुआ है कि क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च